I am S. K. Mishra and I welcome you to the Sharp Career. आज मैं आपके लिए एक ऐसा सेंटेंस लाया हूं जिसमें आपको बड़ा इंटरेस्ट आएगा सुनने में। वैसे तो बेइज्जती करने की अंग्रेजी होती है इंसल्ट, ह्यूमिलिएट, लेकिन इस प्रकार की अंग्रेजी कैसे बनेगी जो प्रभावी हो, जिसका कोई प्रभाव पड़े। हिंदुस्तान में प्रभाव पड़ने वाली बहुत जरूरी बात होती है, एक प्रभाव होना चाहिए सेंटेंस में, हिंदी जैसा प्रभाव। देखें, वह जहां कहीं भी जाता है जूते खाता है, उसे जूते पड़ते हैं, अर्थात उसकी इंसल्ट होती है, बेइज्जती होती है। लेकिन इसको जब हम अंग्रेजी बनाएंगे तो उसका प्रभाव ही अलग होगा। जैसे हिंदी का प्रभाव, ऐसे ही अंग्रेजी में ही प्रभाव आएगा। देखें, वेयर एवर ही गोज, जहां कहीं वो जाता है, वेयर एवर ही गोज, प्रेजेंट डेफिनिट में है ये, वेयर एवर ही गोज ही गेट्स शू बीटिंग, शू बीटिंग, ही गेट्स, उसके जूते पड़ते हैं, ही गेट्स शू बीटिंग, जूते खाता है या जूते पड़ते हैं, अर्थात बेइज्जती होती है, ये मतलब है। वह जहां कहीं भी गया उसने जूते खाए या उसके जूते पड़े। देखें इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी, वेयर एवर ही वेंट, ये पास्ट टेंस का है, वेयर एवर ही वेंट, पास्ट इंडेफिनिट का विशेष रूप से, वेयर एवर ही वेंट ही गॉट शू बीटिंग, वो जहां कहीं भी गया उसने जूते खाए या उसके जूते पड़े या उसकी बेइज्जती हुई। अब देखें तीसरा सेंटेंस, अगर वह यहां आएगा तो जूते खाएगा या उसके जूते पड़ेंगे। इस प्रकार का सेंटेंस कैसे बनेगा अंग्रेजी में, इफ ही कम्स, जब दोनों ओर गा गा आता है सेंटेंस में, और अगर वाला सेंटेंस होता है तो इफ वाला सेंटेंस, अर्थात पहला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है और दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट में बनता है, ये इसका नियम है। अगर वह यहां आएगा तो जूते खाएगा या उसके जूते पड़ेंगे। इफ ही कम्स हेयर ही विल गेट शू बीटिंग, अगर वो वहां जाएगा, इफ ही गोज देयर ही विल गेट शू बीटिंग, उसके जूते पड़ेंगे। इस प्रकार से हम सेंटेंस को बनाएंगे प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में। मैंने तीनों में ये सेंटेंस बनाया है। कैसी लगी है मेरी वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।